सर्दियों का मौसम में साग बहुत ही आसानी से मिलता है इसी में से एक साग है जिसको बत्थू का साग बोलते हैं बथुआ का साग बोलते हैं तो आज हम बनाएंगे बथू का साग का बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी यूपी बिहार में इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाता है आपको पसंद आएगी चले बनाते हैं यहाँ पर बत्थू का साग लेकर उसको अच्छे से चार पाँच पानी से धो लें चार पाँच पानी से इसीलिए धोते हैं कि उसमें जो गंदे रहेंगे वो निकल जाएंगे मिट्टी वगैरह रहेगा उसके बाद इसका जो डंडल होता है ये इसमें नहीं डालना है इस रेसिपी में ये जरूरी होता था यहाँ पर देखिए इसको कैसे बनाना है आगे से जो सॉफ्ट वाला भाग है उसको निकाल लेना है अब पत्ते निकाल लेने हैं उसके बाद जो डंटल है उसको हटा देना है देखिए मैं कैसे तोड़ रही हूँ साग को बर्बाद नहीं करना है इस तरीके से पत्ते अलग कर लेने हैं मोटे वाले डंटल को अलग कर लेने हैं डटल अगर पतला है सॉफ्ट है तो उसको रहने दें वो पक जाएगा उसके बाद साग को जितना हो सके छोटे टुकड़ों में काटें महीन महीन काटें यहाँ पर ऐसे एक बार बीच से कट लगाएंगे ऐसे मोड़ेंगे उसके बाद जितना हो सके उतना महीन काटने का कोशिश करें दो से तीन बार में बस यहीं पर मेहनत लगेगा उसके बाद बहुत ही आसानी से रेसिपी बन जाती है बिहार का सिंपल और ट्रेडिशनल रेसिपी है ये इसके बाद साग को कढ़ाही में डालेंगे कड़ाही में डालें थोड़े डीप बर्तन है ना उसमें डालें उसके बाद इसमें आधे चम्मच नमक डालेंगे थोड़े थोड़े करके मसाले डाल दें तो यहाँ पर एक तिहाई चम्मच हल्दी पाउडर आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर मैं एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप क्या करें लहसुन छील के चार पाँच लहसुन की कलियाँ इसमें डाल दें बस इसमें और मसाला नहीं डालना है इतना ही डालना है अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे नमक को उसके बाद इसको ढक कर दस मिनट के लिए पकने देंगे आँच को यहाँ पर धीमी कर दें दूसरे साइड में हम चावल बनाएंगे। तो चावल जब बनाते हैं नॉर्मली उसी तरीके से बनाना है बस पानी थोड़ा ज़्यादा डालना है चावल में क्योंकि हमें चावल से पानी निकालना है तो यहाँ पर अच्छे से मिला दें उसके बाद चावल जैसे ही सॉफ्ट होता है जैसे चावल बनाते हैं उसी तरीके से बनाना है ये देखिए चावल हमारा पक गया अब इसके ऊपर से एक ढक्कन लगा के ऊपर से आप किसी भी कपड़े से पकड़ के पानी को निकाल दें मतलब चावल का जो पानी है उसको अलग कर दें इस तरीके से देखिए कैसे करें इसी पानी का हम यूज करेंगे साग बनाने में ये पुरानी रेसिपी है पहले ज़माने में ऐसे ही बनाया जाता था मैंने उसी को बनाने का कोशिश किया है तो ये हमारा चावल का मार्ड तैयार है अब यहाँ पर साग को चेक करते हैं साग को देख लें अच्छे से सॉफ्ट हो गया है उसके बाद उसको ये जो आलू मसर होता है ना ये सभी के पास रहता है नहीं तो आपको दाल मिक्स करने वाला है तो उससे कर सकते हैं साग को इस तरीके से मिक्स करना है जितना हो सके बारीकी से मिक्स करें तो यहाँ पर मैंने साग को अच्छे से मिला लिया है उसके बाद हमने जो चावल का पानी निकाला है वो डालेंगे तो पहले आधे पानी को डालें पूरा एक साथ नहीं डालें आधा पानी डाल के इसको अच्छे से मिलाना है इसके बाद फिर से दोबारा पानी डालना है चावल के पानी के साथ इसको इसलिए बनाया जाता है कि जब ये ठंडा हुआ ना तो ये ठीक हो जाता है तो जैसे जैसे ठंडा होगा ठीक होगा और इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है इसको आप नॉर्मल पानी के साथ भी बना सकते हैं लेकिन उसका स्वाद उतना बढ़िया नहीं आता है ठंडा होने के बाद वो जमता नहीं है और ये जो चावल का पानी होता है ये जम जाता है तो गाढ़ा हो जाता है इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है इसलिए इसको चावल के पानी के साथ बनाया जाता है इसको पाँच मिनट के लिए उबाल आने दें धीमी आँच पर ही पकाना है आपको यहाँ पर जैसे इसमें उबाल आता है ना ये पक गया साग हमारा पहले से पका हुआ है और नहीं पकाना है अब इसमें एक छोटा सा तड़का लगाएंगे बहुत ही नॉर्मल तरीके से दो चम्मच सरसों का तेल लेंगे उसमें एक चौथाई चम्मच जीरा डालेंगे दो हरी मिर्च को ऐसे तोड़ के डालेंगे बड़े बड़े टुकड़ों में ही डालें छोटे टुकड़ों में नहीं डालें इसके बाद मिर्ची को अच्छे से तेल में भून लेंगे तेल में मिर्ची को फ्राई कर देने से मिर्ची का जो फ्लेवर है वो तेल में आ जाता है तो मिर्ची को तेल में अच्छे से पकने दें देखिए मिर्ची का कलर जैसे ही चेंज हो जाता है इस तरीके से इसके बाद तड़के को हम जो हमने साग बनाया है उसमें मिक्स कर देंगे जैसे ही उसमें आप तड़का डालते हैं उसको तुरंत ढक दें ऊपर से इस तरीके से अब इसको दो मिनट के लिए पकाना है तो यहाँ पर दो मिनट बाद हमारे जो बत्तू का साग है बत्तू का झोल है वो बन के तैयार है बहुत ही आसान रेसिपी है इसको आप गर्मा गर्म स्टीम राइस के साथ आलू की सब्जी के साथ या बैंगन का भाजा के साथ ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को बनाने में मैंने अगर कुछ अलग तरीके से बनाया है जो पुरानी रेसिपी है उसको मैंने थोड़ा सा नॉर्मल करने का कोशिश किया है आसान करने का कोशिश किया है वीडियो पसंद आता है तो, तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें